स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए बंगाल हिंसा को लेकर 3 सदस्यीय समिति का गठन कोलकाता हाई कोर्ट ने कर दिया है। ये समिति विस्थापित लोगों की वापसी के लिए इस समिति का गठन किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद अब लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका बंगाल हिंसा को लेकर दायर की गई थी, जिस पर कोलकाता हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास को लेकर इस समिति का गठन कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है और साथ ही यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा से विस्थापित जो लोग हुए हैं वो घर लौटने में सक्षम हो, इसके लिए ही यह बड़ा फैसला कोलकाता हाई कोर्ट ने लिया है। तो साफ तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी और कोर्ट में उनके वकील का रवैया रहा है, वो जाहिर तौर पर राज्य सरकार के उस आदेश का बार बार बखान करते नजर आए कि दरअसल राज्य सरकार कथित रूप से कोई भी हिंसा पश्चिम बंगाल में नहीं हुई। ये बयान राज्य सरकार दे चुकी है, ममता बनर्जी ये कह चुकी है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई, लेकिन साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें वापसी उनकी की जाए। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि जो लोग बंगाल से असम पहुंचे हैं, जिन्होंने पलायन किया है, वो वापस बंगाल में लौटे, अपने घरों में लौटे, ये राज्य सरकार का दायित्व है और राज्य सरकार को उन्हें वापस बंगाल में उनके घर पर पहुंचाना चाहिए। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी इस पूरे मामले में की है। आदेश में ये साफ तौर पर कहा है कि लोगों को अपने घरों में वापस जाने और शांति से रहने का अधिकार है। ये सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव देखने को मिला वो ये साफ तौर पर बयां करता है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं टीएमसी के ये गुंडे और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इस गुंडागर्दी को अंजाम देती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई दफ्तर के बाहर अपने समर्थकों के साथ बवाल काटा, पथराव और आगजनी करने की कोशिश की गई, तो ये साफ तौर पर तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में खुद वहां जो मुख्यमंत्री है जिसका दायित्व राज्य में शांति व्यवस्था कायम करना है वो खुद कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कोलकाता हाईकोर्ट में जिस याचिका पर सुनवाई हुई है वो याचिका अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल के द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी और उसमें यह कहा था कि लगभग 250 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डर और भय के चलते अपने घरों को वापस नहीं लौट पा रहे हैं और ऐसे में कोर्ट इस पर कोई फैसला ले, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चली और अब जाकर यह फैसला कोलकाता हाईकोर्ट ने लिया है कि इसको लेकर 3 सदस्य समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि जिन लोगों ने बंगाल से पड़ोसी राज्य में पलायन किया है, जो इस हिंसा की वजह से विस्थापित हुए हैं, वो वापस अपने घरों में लौटे। आपको बता दें इस समिति में राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के नामित सदस्य शामिल होंगे, यानी इन तीनों ही आयोग से एक एक सदस्य शामिल होगा। ऐसे में ये 3 सदस्य समिति अब ये सुनिश्चित करेगी कि विस्थापित लोग वापस अपने घरों को लौट पाए। हालांकि इस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि जिन व्यक्तियों के कथित तौर पर अपने घरों में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिस तरीके से लगातार टीएमसी के गुंडे उनमें डर और भय पैदा कर रहे हैं और उन्हें उनके घर में वापस नहीं लौटने दिया जा रहा है, वो तमाम लोग पश्चिम बंगाल कानूनी सेवा प्राधिकरण के जो ऑफिशियल ईमेल है उस पर दरअसल संवाद स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल अब वो
पश्चिम बंगाल कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें और समिति तब इन इलाकों के संबंधित पुलिस अधिकारी से संपर्क करेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों को उनके घर में वापस जाने की इजाजत हो। यानी कोलकाता हाई कोर्ट ने अब पूरी तरीके से इस समिति का गठन किया है और साथ ही ये भी बताया है कि आखिर किस तरीके से जो लोग पश्चिम बंगाल हिंसा में विस्थापित हुए हैं वो वापस अपने घरों को लौट सकते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में जो रिपोर्ट है वो ये समिति कोलकाता हाई कोर्ट में सौंपे, ये भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो प्रियंका टिबरेवाल जो कि बीजेपी नेता और अधिवक्ता हैं, उनकी एक याचिका थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि महिलाओं में बच्चों में काफी ज्यादा डर है और जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें वापस उनके घर पर नहीं आने दिया जा रहा है। टीएमसी के गुंडे लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं, राजनीतिक गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में जारी है। इसको लेकर ही इस पूरी याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी कोलकाता हाईकोर्ट में बंगाल हिंसा को दायर इस याचिका को लेकर जो सुनवाई हुई थी उसमें साफ तौर पर याचिकाकर्ता की ओर से न सिर्फ बंगाल में सरकार पर निशाना साधा गया था बल्कि बंगाल पुलिस को भी आड़े हाथों लेते हुए यह कहा गया था कि दरअसल बंगाल पुलिस इसमें जो काम कर रही है वो ठीक नहीं है क्योंकि बंगाल पुलिस कोर्ट को गुमराह कर रही है और लगातार जिस तरीके से तमाम जो सबूत बंगाल पुलिस की ओर से पेश किए गए हैं वो झूठे हैं। वो दरअसल उन घरों में जाती है जिन घरों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं और वहां की तस्वीर खींचती है और उसके बाद कोर्ट को दिखाती है कि सब कुछ पश्चिम बंगाल में ठीक चल रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कि दरअसल बंगाल में स्थिति बेहद भयावह है, जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं उसमें लगातार लोग डर में जी रहे हैं, वहां जो घर हैं उनमें पुरुषों को आने की अनुमति नहीं है और किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है इसकी बानगी भी उन्होंने कोर्ट को बताई थी। जिसके बाद अब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए इन 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और ये कमेटी अब उन विस्थापित लोगों के पुनर्वास को लेकर आने वाले वक्त में काम करेगी। ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि बंगाल हिंसा पर जहां ममता बनर्जी एक और पूरी तरीके से पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं कि दरअसल बंगाल में हिंसा ही नहीं हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं बंगाल हिंसा को लेकर दायर की जा रही हैं, फिर चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार वालों की तरफ से हो या फिर जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी जान इस पूरे हिंसा में गवाई है उनके परिवार वालों की तरफ से जो याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं उसमें साफ तौर पर यह मांग की गई है कि SIT का गठन हो और इस पूरी हिंसा की जांच होनी चाहिए। और जिसको लेकर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार को नोटिस देते हुए इस पूरे मामले पर, इस पूरी हिंसा पर रिपोर्ट भी मांगी है। तो अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा की बानगी देखने को मिल रही है उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो पुलिस प्रशासन है वो इस पर एक्शन ले, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की जा रही हैं कोर्ट से अब इंसाफ की गुहार पश्चिम बंगाल के लोग लगाते नजर आ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। और फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल प्रियंका टिबरेवाल की ओर से भी कोलकाता हाई कोर्ट में उठाया गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है उनकी तरफ से। साथ ही ये भी कोर्ट को बताया गया था कि दरअसल जो पुलिस स्टेशन है जिन्हें लिखित में ये जानकारी दी गई है कि वो हिंसा प्रभावित लोगों की मदद करें, उस पूरे मामले में कार्रवाई हो, लेकिन वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कोलकाता हाई कोर्ट में जो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील पेश हुए उन्होंने दरअसल ये कहा कि ये तमाम विस्थापित लोग पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने भी साफ तौर पर फटकार लगाते हुए ममता बनर्जी के वकील को ये कहा कि दरअसल जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें पुलिस स्टेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें फिलहाल अपने घर में वापस लौटने की जरूरत है। तो ऐसे में राज्य सरकार तमाम ये बहानेबाजी करना छोड़े और
तमाम लोग जो विस्थापित इस हिंसा के चलते हुए हैं उन्हें वापस उनके घर में पहुंचाया जाए, ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है। और यही वजह है कि तमाम फटकार के बाद अब 3 सदस्य समिति का गठन इस याचिका पर कर दिया गया है, जो आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जो लोग पलायन किए हैं उसको लेकर अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपेगी, और साथ ही उन तमाम लोगों के पुनर्वास को लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि तमाम लोग जो इस वक्त डर और भय के चलते पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में अपने घरों में वापस नहीं लौट रहे हैं उन्हें उनके घर वापस पहुंचाया जाए। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। We'll be right back.